हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शैलेश सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी मेडिसिन लैकेसिस के बारे में। लैकेसिस को मैं बहुत अच्छी मेडिसिन इसलिए कह रहा हूँ कि लैकेसिस बहुत आसानी से समझ आ जाने वाली मेडिसिन है और इसके पेशेंट फ्रिक्वेंटली हमको मिल जाते हैं। लैकेसिस के पेशेंट अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज करते हैं, बिल्कुल आपके सामने आके बैठते हैं, बोलते हैं कि मैं लैकेसिस का पेशेंट हूँ, क्योंकि लैकेसिस का पेशेंट कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता। फ्रेंड्स, जिस तरीके से स्नेक कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता, अगर स्नेक हमारे आसपास है तो घंटे दो घंटे में वो हमारे सामने आ ही जाएगा, वैसे ही लैकेसिस का पेशेंट पहली बार हम नहीं पहचान पाएंगे, एक दो बार मेरे सामने आएगा तो वो हम उसको ज़रूर पहचान लेंगे अगर हम लैकेसिस को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले लैकेसिस को खूब अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि लैकेसिस का पेशेंट हमारे सामने आएगा तो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कैसे मैं कहूँगा हेलो मिस्टर लैकेसिस। फ्रेंड्स, लैकेसिस का जो पेशेंट है वो मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, और फीमेल्स जिस तरीके से हम कहते हैं कैल्केरिया कार की फैटी फ्लैबी फीमेल्स होती हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट लैकेसिस की फीमेल्स ज़्यादातर इमेसिएटेड होती हैं, क्योंकि लैकेसिस के पेशेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली जेलस नेचर के होते हैं। जो लोग जेलस नेचर के होते हैं वो ज़्यादातर इमेसिएटेड ही होते हैं। लैकेसिस के पेशेंट की जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर क्लाइमेक्टिक एज ग्रुप की महिलाएं होती हैं, इस एज ग्रुप में लैकेसिस ज़्यादा खुल के सामने आती है। फ्रेंड्स, ये तो हुआ ये एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं लैकेसिस के जनरल सिम्टम्स के बारे में। लैकेसिस का जो जनरल सिम्टम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सिम्टम पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है लैकेसिस का वो है इसकी लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स। फ्रेंड्स, लैकेसिस की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो या तो शरीर के ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होंगी या फिर लेफ़्ट साइड से शुरू होकर के राइट साइड की ओर मूव करेंगे। चाहे इसका पेन हो, चाहे इसके एक्सट्रीमिटीज़ का पेन हो, चाहे स्किन डिजीज़ हो या फिर थ्रोट कंप्लेंट्स हो, जो भी कंप्लेंट्स हो वो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आती हैं। जब हम पूछते हैं कि भैया ये किस तरफ शुरू हुआ था सबसे पहले, तो बताएगा कि साहब हमको सबसे पहले लेफ़्ट साइड में दर्द शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये राइट साइड को हो गया या अभी भी लेफ़्ट साइड में है। तो लेफ़्ट साइडेड कंप्लेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल फीचर ऑफ लैकेसिस। इसको एकदम याद रखिएगा, एकदम इसको रट के रख लीजिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है लैकेसिस का, स्लीप एग्रीवेशन। लैकेसिस के सारे सिम्टम्स स्लीप के दौरान जब पेशेंट सोता है तो बढ़ जाते हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जैसे मुझको नींद आनी शुरू होती है मेरा दर्द बढ़ जाता है, मुझे उलझन होने लगती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, जो भी उसके कंप्लेंट्स होंगी वो स्लीप के दौरान बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो लैकेसिस स्नेक पॉइजन से बना हुआ है, और हम ये जानते हैं कि स्नेक पॉइजन को अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो हम लोग कहते हैं कि उसको सोने मत देना, उसको जगाए रखना, क्योंकि जितनी भी स्नेक का ये बेसिक नेचर है कि उसके पॉइजन का जो असर है वो स्लीप के बाद ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से इसके लैकेसिस पेशेंट के कंप्लेंट्स भी स्लीप के बाद ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसे हमको याद रखने में आसानी रहेगी। जो लेफ़्ट साइडेड वाली बात है वो भी मैंने बताया, सांप हमेशा लेफ़्ट साइड को भागता है, तो हमेशा उसका पहला असर जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है लैकेसिस के पेशेंट के जो भी पैथोलॉजी होगी। ऐसे अगर हम एक दूसरे को कंपेयर करते हुए जिस चीज़ से वो मेडिसिन बनाई जाती है उसको उसके स्टडी के साथ कंपेयर करते हुए चलते हैं तो हमको वो आयात करने में आसानी रहती है। तो लैकेसिस को दो सिम्टम हो गए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स, दूसरा हो गया स्लीप एग्रीवेशन, तीसरा है आप देखिए किसी सांप के लिए सांप के ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए, देखिए वो बिल्कुल से जो है अनइजी फील होगा, उसको बिल्कुल एक्साइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैकेसिस कभी भी कोई भी स्नेक कभी भी किसी टच को नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहुत हाइपर सेंसिटिव होता है। ठीक वैसे ही लैकेसिस का पेशेंट भी हाइपर सेंसिटिव होता है और वो स्लाइट टच को भी नहीं टॉलरेट करता है। लैकेसिस का पेशेंट जब आपके पास आएगा तो बताएगा कि आप उसे पूछिए आप मुंह ढक के सो सकते हो, मुंह ढक के सोते हो? नहीं नहीं साहब, मुंह ढक के तो मैं सो ही नहीं सकता हूँ, मेरे चेहरे पर एक वो हैंकी तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसके स्किन पर आप जरा सा टच कर दिए वो तुरंत जो है उसको अनइजी हो जाएगा।
हाइपर सेंसिटिवनेस बेलाडोना में भी है, हाइपरसल्फ में भी है, आर्निका में भी है, बहुत सारी मेडिसिन हाइपर सेंसिटिव है, लेकिन बेलाडोना, आर्निका, हाइपरसल्फ की जो हाइपर सेंसिटिवनेस है वो ड्यू टू पेन है। वहाँ पे अगर आप टच करोगे तो वो दर्द के मारे पेशेंट आपका हाथ हटा देगा, लेकिन ये इसको पेन नहीं होगा, ये एक्साइटमेंट में हटा देगा, ये नर्वस हो जाएगा पेशेंट, उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ये बेसिक डिफरेंस, ऐसे हम मेडिसिन को जब समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों वो पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर रहा है। हर मेडिसिन का अपना अलग अलग फीचर होता है। तो ये ओवर सेंसिटिवनेस, हाइपर सेंसिटिवनेस लैकेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ तक कि अगर हम लैकेसिस के मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं तो उसकी सांस फूलने लगती है, वो तुरंत उसको हटा के फेंक देगा। लैकेसिस का पेशेंट सफोकेट करने लगता है बंद कमरे में, अगर उसको पता चल जाए आप उसको लिफ्ट में बंद कर दिए, लिफ्ट में तो ट्रेवल ही नहीं कर सकता, लिफ्ट में बंद कर दिए तुरंत उसको जो है वो, यहाँ तक कि पेशेंट बेहोश तक हो जाएगा। तो ये हाइपर सेंसिटिवनेस जो है ये थ्रोट पे और वेस्ट पे बहुत ज़्यादा होता है। लैकेसिस का पेशेंट कभी अगर यहाँ पे है, आपके इंडिया में है, तो गमछा लपेट के या जो है नेक में हैंकी डाल के नहीं आ सकता। बाहर है विदेशों में कभी लैकेसिस का पेशेंट टाई नहीं लगा सकता है। तो अगर टाई लगा के पेशेंट आ रहा है तो समझिए कि 90% ये लैकेसिस नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से जो है थ्रोट पे, वेस्ट पे, ज़रा सा यहाँ पे जो है पेट के ऊपर ज़रा सा वो बेल्ट लगाना या वो लगाना, वो एकदम कुर्ता पजामा टाइप का ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहता है, बहुत हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होता है लैकेसिस का। टाइट बैंडेज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। सांप को हम गर्दन से पकड़ें, ज़रा सा उसको प्रेस करें, वो बिल्कुल एक्साइट हो जाता है, वैसे ही लैकेसिस के पेशेंट को टाइट बैंडेज, कुछ भी टाइट कपड़े, टाइट चीज़ें बिल्कुल वो पहन नहीं सकता, हरदम ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहता है। और उसके बाद जो है आपने एक चीज़ और देखा होगा कि सांप जो है वो एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड जब कंडीशन होती है तो सारे सांप बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, वो बाहर नहीं रह सकते। इसी तरीके से जो लैकेसिस का पेशेंट होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकता है, उसमें उसको दिक्कत होने लगती है, तुरंत वो जो है उसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल चीज़ें हैं तो वो धीरे से रह सकता है, वो टॉयलेट कर सकता है। अब आते हैं हम लैकेसिस के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। लैकेसिस के मेंटल सिम्टम्स में बहुत एंशियस होता है पेशेंट, बहुत जेलस होता है, और उसके ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो आती हैं वो ड्यू टू डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, ड्यू टू ग्रेट सॉरो, इस तरीके के तमाम उसके ऊपर दुख पड़े हैं, वो पड़े हैं इसलिए आए हैं। लेकिन इसमें बेसिक जो नेट्रम्यूट से, इग्निशिया से जो आप अलग यहाँ पे करेंगे वो इसकी जेलसनेस है। जेलसनेस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई जेलस पेशेंट है और उसके साथ ये पैथोलॉजी सब आ रही हैं तो लैकेसिस ही होगा। फिर लैक्यूसिटी, लैक्यूसिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल करेक्टर है। इतना लैक्यूसियस पेशेंट होता है कि वो एक, अगर आपके सामने बैठा हुआ तो किसी को नहीं बोलने देगा, 10 लोग हैं तो केवल वही बात करेगा, और जितनी बात वो करेगा उसका अंत में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई और छोर नहीं रहेगा। एक पॉइंट से बात शुरू करेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे से शुरू करेगा, तीसरे में जाएगा। डॉक्टर नेस, डॉक्टर केंट लिखते हैं कि वन वर्ड लीड्स इनटू वन स्टोरी। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा बातूनी, अगर बहुत बातूनी पेशेंट है तो आप एक बार लैकेसिस के बारे में ध्यान दीजिए, लैकेसिस के बारे में सोचिए। अगर बाकी सारे सिम्टम्स उसके मिल रहे हैं तो वो पेशेंट, वो व्यक्ति जो है वो लैकेसिस का ही होगा। अब हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर्स पे बात करते हैं। पर्टिकुलर्स पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लैकेसिस के हेडेक की बात करते हैं। मैंने बताया कि ऑल कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड ड्यूरिंग स्लीप, मोस्टली लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा, और अगर वो स्लीप के दौरान हेडेक बढ़ रहा है, लेटने पे बढ़ रहा है, प्रेशर से थोड़ा सा बढ़ रहा है, टाइट बैंडेज नहीं बर्दाश्त करेगा तो प्रेशर से बढ़ेगा, लेटने पे बढ़ेगा, इस तरीके का अगर थ्रॉबिंग टाइप का सर दर्द है, खास करके लेफ्ट में होता है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये लैकेसिस का हेडेक होगा। थ्रोट पे आते हैं, थ्रोट की बहुत अच्छी मेडिसिन है लैकेसिस। हमने पहले भी आपको बताया कि लैकेसिस थ्रोट पे बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्शन या कोई कपड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता है। थ्रोट के किसी भी कंप्लेन में अगर पेशेंट की ये स्थिति हो जाए कि आपको छूने ना दे बाहर से, ड्यू टू पेन नहीं, ड्यू टू नर्वसनेसनेस, तो हम कहेंगे कि ये लैकेसिस का पेशेंट है। थ्रोट की सारी कंप्लेंट्स इसको लेफ्ट से राइट को जाएंगी। थ्रोट में आपका टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है,
कोई भी दिक्कत होगी वो लेफ़्ट से राइट जाएगी। और थ्रोट के इसके ट्रबल्स में जो खास बातें हैं वो ये हैं कि ज़्यादातर तो नॉर्मली थ्रोट के कंप्लेंट्स में गर्म पेय से चाय कॉफ़ी पीने से थ्रोट की कंप्लेंट्स में आराम मिलता है, लेकिन लेकेसिस का पेशेंट का थ्रोट का कंप्लेंट्स गर्म चीज़ों से बढ़ता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है। अगर कोई भी पेशेंट कहता है कि साहब मुझको पेन हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस है, और हमको जो है जैसे चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, नमक पानी गरारा करते हैं, हम लोग बताते हैं नमक पानी गरारा करते हैं तो बढ़ जाता है, आप चुपचाप उसको लेकेसिस दे दीजिए, वो विद इन 1 or 2 days वो रिजॉल्व कर जाएगा, उसकी सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और उसका जो खास बात है, लेकेसिस का पेशेंट लिक्विड को स्वालो नहीं कर सकता है, अपना सलाइवा बनता है, सलाइवा को स्वालो नहीं कर सकता है। ये इसके साथ ब्रानिया, बेलाडोना और इग्निशिया में भी खास करेक्टर है ये। तो अगर वो लिक्विड नहीं स्वालो कर सकता है, सॉलिड को आराम से निकल सकता है, ये भी एक अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है। तो लेकेसिस का ये थ्रोट हो गया। इसके साथ में अगर इसको इसका मुंह खुलवाएंगे और देखेंगे कि इसका थ्रोट का कलर देख रहे हैं, अंदर अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो पर्पल कलर क्या या ब्लूइश कलर का नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो है थ्रोट में बहुत अच्छी मेडिसिन है। थ्रोट के बाद अब हम आते हैं, थ्रोट से नीचे आते हैं तो चेस्ट में और रेस्पायरेटरी सिस्टम पे। रेस्पायरेटरी सिस्टम पे इसको सफोकेशन होता है पेशेंट को। हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इतना सफोकेटिव पेशेंट है कि अगर इसके मुंह पे कोई एक हल्का सा कपड़ा या चेहरे पे ना रखिए, चेहरे के आसपास आप अपना हाथ ले आइए, तब भी इसको सफोकेशन, ऐसे सफोकेशन महसूस होगा और ये आपका हाथ हटा देगा चेहरे के आसपास किसी चीज़ को, इतना इनटॉलरेबल होता है ये। उसके बाद फिर जो है ड्यूरिंग स्लीप एग्रीवेशन, इसको नींद आती है, नींद आते आते इसकी सांस रुक जाती है और ये उठ के बैठ जाता है, तो ड्यूरिंग स्लीप इसको एग्रीवेशन होता है। जो है मेंसेज के दौरान इसको इन सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। सफोकेशन में अगर इसको लगता है कि कोई हमको दूर से पंखा करे, धीरे 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 दूर से पंखा करता रहे और हल्की हल्की हवा इसके पास आती रहे तो इसको बहुत अच्छा लगता है। कार्बोबेज से यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, कार्बोबेज का पेशेंट भी हवा चाहता है, लेकिन कार्बोबेज के पेशेंट को खूब नज़दीक से और तेज़ तेज़ हवा चाहिए। अगर आप लेकेसिस के पेशेंट को नज़दीक से पंखा करेंगे तो पंखा जैसे उसके नज़दीक आएगा वो उसको दूर भगा देगा, क्योंकि कोई भी इसने कभी किसी चीज़ को अपने क्लोज अच्छा रहने नहीं देता, वो उसको हटा देता। तो इस तरीके से ये इसका जो है रेस्पायरेटरी सिस्टम पे सफोकेशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद आते हैं माउथ। माउथ में जो है ब्लीडिंग गम्स हो सकता है या जो है जो भी पैथोलॉजी होगी माउथ में, खास करके पर्पल कलर आएगा अगर माउथ में पर्पल कलर है, ब्लीडिंग गम्स है, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं टंग इसकी, आप देखिए माउथ ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पर्पल कलरेशन, टंग इसकी ट्रेम्बलिंग टंग होगी। अगर आप टंग को प्रोट्यूट करने के लिए बोलेंगे, बाहर निकालने के लिए बोलेंगे, तो वो टंग को बाहर नहीं निकाल पाएगा, एकदम ट्रेम्बलिंग करेगी टंग, जैसे सांप की टंग हिलती है तो वैसे ये ट्रेम्बलिंग करेगी, बाहर नहीं निकाल पाएगा। कभी कभी बाहर निकालते निकालते दांत से कट भी जाती है टंग। ये प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस, ये जो माउथ की कंडीशन होगी, ये ज़्यादातर फीवर में देखने को मिलेगी। फीवर में अगर टाइफाइड फीवर है और आप उससे कहते हैं कि जबान निकालिए, जबान टाइफाइड फीवर अगर क्रोनिक फीवर आता है तो हमको उसका मुँह का एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। टंग देख करके हमको कई बार मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया। अभी मैंने लेकेसिस की टंग बताई, दस्ट्रास का टंग आपको पता है, ट्राइंगुलर रेड टिप ऑफ टंग है, मसाल की टंग आपको पता है, वो बिल्कुल गीली गीली सी होगी, मुंह में आएगी नहीं, इम्प्रिंट आप टीथ के साथ में होगी, तो मगसाल तो ऐसे हम वहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और एक बहुत अच्छा हमको वहाँ से क्लू मिल जाता है कौन सी मेडिसिन हमारी जा रही है। फिर इसका फीवर जो है, अगर इसी समय फीवर की भी बात कर लेते हैं, तो फीवर इसका स्प्रिंग कंडीशन में ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर एनुअली रिलैप्सिंग फीवर होता है, एनुअली हर साल जो है वो रिपीट करता है, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन होता है, मुंह से बदबू आती है और इस तरीके का माउथ होता है, लेफ्ट साइडेड उसको होता है, सोने में रात में वो जो है उसके फीवर बढ़ जाता है सोते समय, तो हम कहेंगे कि ये लेकेसिस का फीवर है। स्किन की बात करते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन की लेकेसिस, लेकिन क्रोनिक कंडीशंस के लिए, एक्यूट कंडीशंस के लिए, जहाँ हिपरसल, बेलाडोना, मगसाल इस तरीके की मेडिसिन आती, वहाँ के लिए नहीं। लेकेसिस में अल्सर्स हैं, कार्बंकल्स हैं और जो है बॉयल्स हैं, क्रोनिक बॉयल्स हैं, जो कि ज़्यादातर जाते हैं मैलेग्नेंसी की ओर, मतलब एक्यूट में नहीं,
वो कई सालों से पड़े हुए हैं, न ठीक हो रहे हैं न वो न उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक क्रोनिक बॉयल टाइप का। और उसमें जो बहुत पिक्यूलर बहुत ख़ास चीज़ है, अगर लेकेसिस का बॉयल या अल्सर होगा तो उसकी मार्जिन्स जो है ब्लू या पर्पल कलर की होगी। ऐसे याद रखिए कि जहाँ स्नेक बाइट होता है वहाँ पर ब्लू हो जाता है, जहाँ से जहाँ पे स्नेक बाइट होता है वहाँ स्किन का कलर ब्लू हो जाता है। तो ब्लू कलर की अगर स्किन आपको मिल रही है, देखिए ग्रीन स्किन चोट के बाद आपको लीडम पाल मिलेगी, लेकिन अगर अल्सर कारबंकल बॉयल कहीं पे आपका स्किन जो है कटी हुई मिल रही है और उसके साथ ब्लू मार्जिन मिल रही है, तो आपको कार्बोबेज पायरोजेन और क्या बोलते हैं लेकेसिस के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ बर्निंग पेन होगा, खास करके लेफ़्ट साइड में ये सब कंडीशंस ज़्यादा रहेंगी। इस तरीके से हम स्किन। अब इसके बाद एपिलिप्सी। एपिलिप्सी बहुत ख़ास है लेकेसिस की। लेकेसिस की एपिलिप्सी में लेकेसिस को सोते समय जो फिट्स आते हैं, ये ब्यूफो के साथ है, ब्यूफो में भी सोते समय फिट्स आते हैं और लेकेसिस में भी सोते समय फिट्स आते हैं। तो अगर बाकी सारे सिम्टम्स को हम मिला करके देख सकते हैं कि लेकेसिस का पेशेंट है या जो है ब्यूफो का पेशेंट है। इसके बाद इसमें हम फीमेल्स में आते हैं। इसका मेंस्ट्रुअल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल सिम्टम में हमको एक बार मेंस्ट्रुअल सिम्टम की बात करनी थी लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाए, यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात तो एक जनरल सिम्टम है ये लेकेसिस का कि आल कंप्लेंट्स आर रिलीव्ड बाय नेचुरल डिस्चार्जेज। अगर कोई भी नेचुरल डिस्चार्ज होगा तो उसकी जितनी भी सफरिंग्स होंगी वो कम हो जाएंगी। मेंस्ट्रुएशन भी एक नेचुरल डिस्चार्ज है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जब फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो उस पेशेंट्स की सारी तकलीफ कम हो जाती है। ये अनकॉमन पिक्यूलियर फीचर है। नॉर्मली महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत पेनफुल टाइम होता है, बहुत गलत समय होता है और वो उस समय सबसे ज़्यादा सफरिंग में रहती हैं। लेकिन लेकेसिस और जिंकम मेटेलिकम ये दो केवल ऐसी मेडिसिन है जिनका जब फ्लो स्टार्ट होता है तो सारी कंप्लेंट्स रिलीव हो जाती है। यहाँ से बहुत आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेकेसिस और जिंकम मेटेलिकम को। अगर फ्लो के समय तकलीफें बढ़ने के लिए बहुत ढेर सारी मेडिसिन है, एक्टीआरएसी में उसमें बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है। तो इसका आप जो एक तो इसकी सारी कंप्लेंट्स जो है वो जो फ्लो स्टार्ट होगा तो कम हो जाएंगी। दूसरी चीज़ इसका मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो रेगुलर टाइम पे होता है लेकिन सप्रेस्ड होता है, एक या दो दिन होगा और ब्लड इसका डार्क कागुलेटेड होगा। अब देखिए अगर बढ़िया से फ्लो हो जाता तो शायद उसकी सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाती, लेकिन फ्लो अच्छे से नहीं होता है तो एक दो दिन वो आराम रहेगा, उसके बाद फिर उसकी वही सारी तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ मैं अगर ऐसी महिलाओं में हेमोरॉयड्स हैं तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेमोरॉयड इसका बिल्कुल सेंसिटिव होगा और ब्लू कलर का होगा और जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन अगर हम बात करें इसका लेकेसिस का तो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम की वजह से होता है। दो दिन तीन दिन उसको ना तो स्टूल की डिजायर होगी ना वो जाएगी, और जब जाएगी तो उसको बहुत कड़ी लैटिन होगी, बहुत सख्त लैटिन होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और जो है कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा हो जाता है एनस के आसपास और स्फिंक्टर एनआई में बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा हो जाता है जिस कारण स्टूल इसका बाहर नहीं निकलता है। ड्रंकर्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके ड्रंकर्स में अगर हेडेक है और एपोप्लेक्सी की तरफ जा रहे हैं, उनका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ये लेकेसिस ड्रंकर्स के लिए। लेकेसिस के बारे में एक जनरल सिम्टम में और हमको बात करनी है आपसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण लेकेसिस का ये है कि लेकेसिस की सुबह बहुत ख़राब होती है, शाम उसकी अच्छी होती है लेकिन रात फिर ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेकेसिस रात में जब सोता है उसकी सारी कंप्लेंट बढ़ती है, सोने के बाद इसकी सारी कंप्लेंट बढ़ी रहती है, सो के उठने के बाद ये एकदम प्रोस्टेटेड होता है, एग्जॉस्टेड होता है, बिल्कुल वीक होता है, इसका कोई काम करने का नहीं मन करता है। जनरली हम लोग जब सो के उठते हैं तो रिचार्ज होकर उठते हैं, नई सुबह है, उठेंगे अब ढेर सारा काम करेंगे अपना या ऑफिस को जाएंगे, पेशेंट देखेंगे, पूरे फुल ऑफ एनर्जी, एक तरीके से हम रिचार्ज होकर उठते हैं। वहीं लेकेसिस का पेशेंट जब सुबह उठता है तो फुल्ली डिस्चार्ज होकर उठता है, फिर वो चार्जिंग पे लगता है और दिन भर चार्ज होता है, रात में वो इतना चार्ज रहता है कि सारे मेंटल वर्क्स उसके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अगर वो डॉक्टर है लायर है तो रात में उसके ओपीडी उसकी अच्छी मन लगेगा लेकिन सुबह वाली ओपीडी उसकी ख़राब होगी। तो इस तरीके से एकदम उल्टा होता है। बहुत सारे ढेर सारे अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं लेकेसिस में, इसीलिए मैंने पहली लाइन में कहा था
कि लेकेसिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके इसके जितने सिम्टम हैं सब अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम हैं, और अगर आप इसके सिम्टम्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, और पेशेंट जब आपको आगे बताता है, डॉक्टर साहब मैं सुबह जब सो के उठता हूँ तो मुझे कुछ नहीं रहता है, मैं बिल्कुल बेकार रहता हूँ, कोई उठने का नहीं मन करता है, मेरा सर भारी रहता है, मेरा पेट में दर्द रहता है, मेरा ये रहता है, मेरा वो रहता है, धीरे धीरे थोड़ा जब नाश्ता पानी कर लेता हूँ वो करता तो मुझको ठीक ठाक लगता है। बताइए, ये पेशेंट अगर नॉर्मली कहेगा तो आप उधर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अगर लेकेसिस आपने पढ़ रखा है तो आप तुरंत उस पर कह दोगे भैया तुमको लेकेसिस की एक खुराक की ज़रूरत है, उसके बाद तुम्हारी सारी सुबह अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझको लगता है कि मैंने लेकेसिस को आपको अच्छे से बताया। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। मैंने केवल इसके यहाँ पे जनरल सिम्टम्स को और अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स को टच किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अपना वीडियो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आगे मैं हो सकता है कि लेकेसिस पे एक बड़ा वीडियो बनाऊँ जिस पे इसके सारे पर्टिकुलर्स को, सारे जनरल सिम्टम्स को एक बार फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मुझे लगता है कि आपको ये मेडिसिन पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक बार इसको आप डिफरेंट बुक से, मैंने इसको नैस से, डॉक्टर एलेंस की नोट से, डॉक्टर केंट से और दो तीन और बुक से मैंने इसको कंपाइल करके ये वीडियो बनाया था, तो मुझे लगता है कि आपको ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहा होगा। और इसी के साथ मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। आगे देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। बहुत सारी मेडिसिंस हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी मेडिसिंस के बारे में चर्चा करना है, आगे हम करते रहेंगे। थैंक यू।